अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आकर के देखने आए हैं वाकई में स्थिति क्या है। हमारी सरकार ने नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो मजदूर गरीब ठेला चलाने वाले रिक्शा चलाने वाले सफाई कर्मी मजदूरी करने वाले लोगों की लिए व्यवस्था हो ताकि वो सड़क पे ना सोएं, खुले में ना सोएं, उनको छत मिले, उनको कंबल मिले, उनको बिस्तर मिले, उनको पानी की व्यवस्था मिले। इसलिए हम लोग आए हैं देखने की मिल रहा है। और जो लोग जो बेचारे सड़क पे हैं, जो ज़्यादातर जो है रिक्शा चलाने वाले लोग, वो रिक्शा छोड़ करके आना नहीं चाहते, तो लगता है कि रिक्शा कोई ले जाएगा, तो उन लोगों को हम लोगों ने कंबल बांटा है, कंबल दिया अलग से। तो हम लोग तो गरीब जो है जनता, उन्होंने हमको चुन करके भेजा, हमको उनके प्रति काम करना हम लोग कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। और आप जान रहे हैं कि ये दिसंबर का महीना है, अब ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में, 10 दिनों में, और आपके बाद फिर जनवरी का आएगा। तो शीतलहर में काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है, कोई लोग बुजुर्ग होते हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, लोग जो है उनका प्राण चला जाता है। तो इसलिए हम लोग कोई कोशिश है कि ऐसी सुविधा दो आप। और बाकायदा जो साफ सफाई है शहरों की वो भी देखते आ रहे हैं, लालू जी के बनाए हुए बसेरे कई बंद पड़े मिले नहीं, कई जगह तो चालू है, एक आध जगह जो बंद था वहाँ कुछ अलग वजह से जो है वो लिया हुआ था, उसको हमने बोला अगर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा तो यहाँ भी लोगों को रुकवाने की व्यवस्था कराई जाए, इसकी मरम्मत कराई जाए। इससे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं जिनको हम मकान देने जा रहे हैं, 48,000 लोगों को जो है मकान जो है वो पक्का मकान मिलेगा 48,000 लोगों को। तो वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं ताकि लोगों को, गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी जो समाज के अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इन लोगों को तकलीफ ना हो, उसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए इसमें घूम के लगा बताइए, महिला अगर गरीब रहेगी तो कहाँ सोई, तो हम आज घूमे तब ना पता चला, तो कल से महिला लोग के लिए अलग से व्यवस्था करवाएंगे कि महिला है, बाल बच्चा है, बच्चा लेकर के देखे रोड पर सो रही है, अच्छा नहीं लगता ना। महिला अगर बच्चा को लेकर रोड पर सोए तो एक इंसानियत के नाते हमको तो अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो है अलग से प्रबंध कराया जाए।